सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं 75 जिलों की 75 खबरें। बिजनौर के ग्रामीण क्षेत्रों में देखा गया टाइगर। विभाग ने आसपास बढ़ाई गश्त, अकेले जंगल की तरफ ना जाने की हिदायत दी। ग्रेटर नोएडा में इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में लगी आग। दमकल कर्मियों ने एक घंटे में बुझाई आग। लाखों रुपए का सामान का नुकसान। गौतम बुद्ध नगर में फ्लैट से 4 नाइजीरियन पुरुष और 4 महिला गिरफ्तार। बिना अनुमति के कर रहे थे बियर पार्टी। सुल्तानपुर में 32 साल से CHC पर तैनात फार्मासिस्ट चलाता है अपना निजी क्लिनिक। CMO बोले, हमको जानकारी नहीं थी। कन्नौज में करंट लगने से महिला की मौत। बारिश से सबमर्सिबल में आ रहा था करंट, घर में अकेली थी महिला। आगरा में ताज के साए में हिंदूवादियों की रंगबाजी का वीडियो गहराया। स्मारक पर मनाया जन्मदिन, जमकर हुई नारेबाजी। ट्रक से जिंदा निकाला गया PRD का जवान। मऊ में अनियंत्रित ट्रक पेड़ से टकराया, चालक और खलासी को सुरक्षित निकाला। ट्रेन की चपेट में आने से रेल कर्मी की हुई मौत। बनारस रेलवे स्टेशन के वॉशिंग यार्ड में सेंट्रिंग के दौरान हुआ हादसा। सीतापुर में बिना काम के ही प्रधान ने निकाले रुपए, इसके बाद भी नहीं कराया काम। CDO बोले, जांच के बाद होगी वसूली। इटावा में करंट से बुजुर्ग की मौत। पानी पीते वक्त बिजली के खंभे से लगा करंट, मौके पर गई जान। गैंगस्टर चोरी और जालसाजों की खुली हिस्ट्री शीटर। अलीगढ़ में अपराधियों पर शिकंजा, पुलिस ने 6 के खिलाफ की कार्रवाई। मिर्जापुर में नौकरी के नाम पर लड़कियों से ठगी। झांसे में लेकर 14,000 जमा कराई, ट्रेनिंग के नाम पर डांस करवाता है। परमहंस दास ने जलाया ओवैसी का पोस्टर, बोले अगली बार जिंदा जला दूंगा, वो देशद्रोही है। मैनपुरी में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। 45,000 के इनामी बदमाश के पैर में लगी गोली, 2 गिरफ्तार। चित्रकूट जिला अस्पताल में जिपंस और स्वास्थ्यकर्मी में मारपीट। ब्लड रिपोर्ट लेने गई थी महिला, स्वास्थ्यकर्मी ने अभद्रता की। फिरोजाबाद के कारखानों में 2 की मौत, 1 की करंट से, दूसरे का फैक्ट्री के जनरेटर रूम में मिला शव। औरैया में जिंदा हो गई महिला, पिता ने दर्ज कराई हत्या की शिकायत। भाई के साथ थाने पहुंची तो हुआ खुलासा। सपा सांसद बोले, कन्हैया की मौत के लिए नूपुर जिम्मेदार। हसन ने कहा, क्राइम करके माफी मांग ले, ये संभव नहीं। सांसद रवि किशन ने पहली बार किया ब्लड डोनेट, बोले डॉक्टरों की वजह से कोरोना मुक्त हुआ देश। बाराबंकी में भाजपा नेता ने सरकार के खिलाफ फूका बिगुल, कहा सरकार हमारी फिर भी हमसे मंगवाई जा रही माफी। अलीगढ़ श्रावस्ती समेत 5 शहरों के लिए जल्द शुरू होगी हवाई सेवा। CM योगी ने MOU किया साइन। हमीरपुर में जरा सी चूक से ग्राम पंचायत अधिकारी के घर पसरा मातम। मासूम बेटे ने छोटे भाई पर चला दी गोली, हुई मौत। लखनऊ में मनेगा आजादी का अमृत महोत्सव, 1 हफ्ते भर लहराएंगे 7 लाख तिरंगे। हापुड़ में दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा, दोषी पर 35,000 का जुर्माना। 2014 में घटना को दिया था अंजाम। बुलंदशहर में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, 17 लोग हुए घायल। ई रिक्शा और कार की टक्कर के बाद शुरू हुआ विवाद। गैंगस्टर की 12 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क, 22 अलग अलग मुकदमे में दर्ज, 2 थानों की पुलिस रही मौजूद। यूपी में भी उदयपुर जैसी धमकियां, मेरठ में बजरंग दल कार्यकर्ता से कहा 17 तारीख को आपका नंबर 4, लोगों को वार्निंग। देशभक्ति के गीत सुनकर इमोशनल हुए CM योगी, लखनऊ में मेरठ क्रांति से लेकर काकोरी कांड पर सुने गीत। रामपुर में पटरी से उतरी मालगाड़ी, 2 डिब्बों के निकले 2 पहिए। पंजाब मेल एक्सप्रेस को शाहजाद नगर के पीछे ही छोड़ा।
सपा पार्षद हुआ खेलते रंग जुआ खेलते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार हुआ। मुरादाबाद पुलिस ने वार्ड 70 के पार्षद इर्शीद को गिरफ्तार किया। रायबरेली में सड़क हादसे में युवक की मौत, ट्रक ने बाइक को पीछे से कुचला, ट्रक छोड़कर चालक फरार। बदायूं में ट्रैक्टर की टक्कर से मां बेटे की मौत, एक घंटे तक पड़े रहे शव, ना पहुंची पुलिस ना एम्बुलेंस। बरेली का पत्थरबाज प्रिंसिपल का वीडियो वायरल, अश्लील हरकतों का विरोध करने पर टीचर्स को मारे पत्थर। बहराइच में 10,000 घूस लेने वाले लेखपाल सस्पेंड, जमीन की पैमाइश के लिए मांगे थे 50,000 रुपए। बागपत में घर में घुसकर किया मारपीट, छेड़खानी का विरोध करने पर विशेष समुदाय ने बोला हमला, पुलिस घटना से अनजान। मेरठ में ड्रग माफिया, तस्लीम की अवैध दुकानें सीज, माफिया की 2 करोड़ कीमत की 3 दुकानों की हुई कुर्की। गाजियाबाद में सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ प्लॉग रन, हिंडन नदी किनारे हुई सफाई, घरों में डिस्पोजल की जगह बर्तन इस्तेमाल करने के लिए। गोंडा में उप स्वास्थ्य केंद्र बना मवेशियों का अड्डा, मरीजों के स्थान पर रखा जाता है भूसा, खिड़की दरवाजे उखाड़ ले गए ग्रामीण। महाराजगंज में सड़क हादसे में युवक की मौत, कार ने बाइक पर मारी टक्कर, साथ बैठा युवक गंभीर घायल। फिरोजाबाद में सड़क हादसे में 3 दोस्तों की मौत, बाइक सवार युवकों को वाहन ने मारी टक्कर, बांदा से दिल्ली जाते वक्त हादसा। देवरिया में 2 पंचायत सचिव निलंबित, सामुदायिक शौचालय पंचायत भवन निर्माण में अनियमितता मिलने पर कार्रवाई। मर्डर से पहले रितिका ने बचने का किया था संघर्ष, वीडियो में दिख रहा कमरे में बिखरा सामान, टूटे गमले और रस्सी भी दिखी। अलीगढ़ में हिंदूवादी नेता को हाथ पैर और जीभ काटने की धमकी, पुलिस जांच में जुटी। बदायूं में विसौली उपजिला अधिकारी ज्योति शर्मा की जन समस्याएं सुनते समय अचानक तबियत बिगड़ी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया भर्ती। बहराइच में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पुलिस के हत्थे चढ़े शातिर चोर। बुलंदशहर में राशन डीलर के चुनाव में धांधली, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वीडियो। गाजियाबाद में बच्ची से छेड़छाड़ करने वाले का मुंह काला कर घुमाया वीडियो वायरल, जांच में जुटी पुलिस। हरदोई में दहेज लोभी, पति ने कार ना मिलने पर पत्नी को पीटा, महिला ने एएसपी से लगाई न्याय की गुहार। गोरखपुर अस्पताल त्रासदी किताब का अखिलेश ने किया विमोचन, डॉक्टर कफील बोले सरकार के वो सारे झूठ को उजागर किया है जो उन्होंने छुपाया। मैनपुरी पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 45,000 का इनामी मुठभेड़ में गिरफ्तार। मुरादाबाद में नूपुर शर्मा के समर्थन में सड़कों पर उतरे करणी सेना, उदयपुर हत्याकांड के विरोध में नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। रायबरेली में अपराधी की करोड़ों की संपत्ति कुर्क, अपराधी की तलाश में है पुलिस। अलीगढ़ में संदिग्ध परिस्थितियों में कमरे में मिला युवक का शव, पुलिस ने पोस्टमार्टम को भेजा। गाजियाबाद में ट्यूबवेल पर मिला युवक का शव, सिर में गोली लगने से हुई मौत, फौज में जाने के लिए युवक कर रहा था तैयारी। हरदोई में शराब के लिए पैसा न देने पर नशेड़ी बेटे ने मां पर ईंट से किया कई बार इलाज से पहले मां की हुई मौत। मैनपुरी पहुंचे भाकियू, लोक शक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवराज सिंह, कहा युवकों को देश में बहकाने का कार्य कुछ राजनीतिक दल कर रहे हैं। प्रयागराज में जेल पुलिस में कार्यरत सिपाही की दबंगई आई सामने, जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। श्रावस्ती में नहर में डूबे युवक का 10 घंटे बाद मिला शव, सुबह 7 बजे हरी राम ने सरयू नहर में लगाई थी छलांग। सोनभद्र में कार और ट्रक के भीषण एक्सीडेंट में 4 लोग गंभीर रूप से घायल, रेणुकूट क्षेत्र में हुआ हादसा। अमेठी में मामूली बात को लेकर मां की डांट से नाराज बेटे ने ट्रेन से कूद कर जान दी, कपड़े और चप्पल से परिजनों को पहचान हुई।
मथुरा में श्रीकांत शर्मा ने दो एम्बुलेंस जिला अस्पताल में विधायक निधि से दी, एम्बुलेंस को किया स्वास्थ्य विभाग को सुपुर्द। कासगंज में सड़क किनारे खड़े एक ट्रक में घुसी पिकअप, हादसे में चालक की मौत, क्लीनर की हालत नाजुक, अलीगढ़ रेफर। फरुखाबाद में विहिप का आरोप, पुलिस ने अभद्रता की, जिलाध्यक्ष सुशील बोले पुलिस ने मोबाइल और पर्स छीना। मेरठ में सपाइयों ने भाजपा की नीतियों पर बोला हल्ला, कहा पति पत्नी पर जानलेवा हमला केवल विपक्षियों के लिए है, बाबा का बुलडोजर। रामपुर में पति पत्नी पर जानलेवा हमला, चाकू और सरिये से किया लहूलुहान, पुलिस पर आरोप, थाने से भगाया। औरैया में सीएमओ ने घायलों को पहुंचाया अस्पताल, सड़क पर पड़े थे दो युवक लहूलुहान, एक्सीडेंट का लोग बना रहे थे वीडियो। मथुरा में अग्निपथ के विरोध में प्रदर्शन, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मथुरा में किया पीएम सीएम का पुतला फूंकने का प्रयास, पुलिस से हुई झड़प। कन्नौज में पिकअप और मैजिक की भिड़ंत, ड्राइवर समेत पांच छात्र घायल, एक की हालत नाजुक। पीलीभीत में वरुण गांधी ने सरकार पर साधा निशाना, ट्वीट कर लिखा रोटी कपड़ा और मकान के साथ इलाज भी हुआ महंगा। झांसी में पिकअप ने वृद्ध को रौंदा, मौके पर हुई मौत, मंदिर पर जल चढ़ाने जा रहे थे वृद्ध, पीछे से मारी टक्कर। बदायूं में नाबालिग लड़की से गांव के ही एक युवक ने किया दुष्कर्म, पीड़ित के पिता ने तहरीर देकर आरोपी युवक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। अमेठी में ओवरटेक को लेकर बीच सड़क पर दो बाइक सवार आपस में भिड़े, बाइक सवारों द्वारा बीच सड़क पर मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर। अयोध्या में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष, पुलिस की मौजूदगी में हुआ दोनों पक्षों में मारपीट। उन्नाव में घने जंगलों में मिला युवक और युवती का शव, पहचान मिटाने के लिए चेहरे पर डाला गया तेजाब। अमरोहा में तिगरी गंगा के जलस्तर में 40 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी, बिजनौर बैराज से छोड़ा गया 40,000 क्यूसेक पानी। पिछहत्तर जिलों की 75 खबरों में फिलहाल इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।